अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये कलर के साथ क्यों खेल रहा हूँ। एक्चुअली मैं कलर के साथ नहीं खेल रहा हूँ। ये जो कलर है वो आज हमें लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सिखाने वाला है। लेसन ये है, अगर पानी का एक ड्रॉप, पानी जिसका कोई कलर नहीं होता है, तो उसका एक या दो ड्रॉप लेके आप इस ब्लैक वाली इंक की बॉटल में डालोगे तो क्या होगा, तो जो पानी है वो काले रंग का हो जाएगा। और अगर वही पानी आप ये व्हाइट वाली बॉटल में डालोगे तो क्या होगा, पानी व्हाइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है। जैसे हम पानी हैं और हमारे जो मित्र है, हमारे जो कलीग्स है, हमारा जो ग्रुप है, वो ये कलर की तरह होता है। अगर आप व्हाइट कलर जैसे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी होती जाएगी। अगर आप ब्लैक कलर की पर्सनालिटी के साथ रहोगे तो आपकी खुद की पर्सनालिटी भी ब्लैक हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होता रहता है। जैसे जैसे आपका ग्रुप होता है, ग्रुप चेंज होता है, उसी तरह आप भी चेंज होते हो। और याद रखना, किसी ने कहा है कि यू आर द एवरेज ऑफ योर बेस्ट 5 फ्रेंड्स। आप अपने जो नजदीकी, जो करीबी 5 आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपकी भी पर्सनालिटी उनका ही एक एवरेज होती है। तो फ्रेंड्स भी हमें ऐसे बनाने चाहिए कि जिससे आप प्रोग्रेस करें, नहीं के डिक्रीज हो जाए। और याद रखना, एक एक्सपेरिमेंट अपने साथ करके देखो। 1 साल तक पहले आप अपना जो टारगेट बनाया है, वो टारगेट के टॉप 5 पर्संस कौन है, आप उनसे मिलो, उनसे फ्रेंडशिप करो। अगर नहीं होता है तो उनका जो रूटीन है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उसको फॉलो करो। ठीक है, अगर आप उनका थॉट प्रोसेस, उनका जो रूटीन, वो सबको अगर आप फॉलो करते हो, तो याद रखना 1 साल के बाद आप करीब करीब उनके पहुंच जाओगे। मेंस वो जो लेवल पे है, वो जो कर रहे हैं, आपका भी सेम टारगेट है, आप वहां तक अगर नहीं पहुंच सके तो उसके करीब तो पहुंच ही जाओगे। फ्रेंड्स याद रखना कि लाइफ में हमने एक बचपन में कहावत सुनी थी कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। याद रखना फ्रेंड्स, जिसकी कंपनी में आप रहते हो आप वैसे ही बनते जाओगे। और आपका क्वेश्चन आएगा कि सर हमारे आसपास तो सब ऐसे ही लोग हैं, हम क्या करें, हम तो बदलना चाहते हैं लेकिन हमारे आसपास वैसे ही लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स में है, फैमिली में है, कलीग्स में है, बिजनेस में है, सोसाइटी में है। फ्रेंड्स अगर एक बार आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आसपास वाले क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, आप उनकी बातों को माइंड में ही नहीं लोगे और आप जो करना चाहते हो वही करोगे, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स याद रखना, अगर डीजे का स्पीकर, समझ रहे हो ना, फुल वॉल्यूम पे बज रहा है तो साथ में और उसके साथ कोई छोटी सी बांसुरी बज रही है तो उसका कोई असर उसको होता नहीं है। उसी तरह आपका माइंड भी एक डीजे का स्पीकर बन जाएगा और वो ऐसा स्पीकर बनेगा कि उसको सिर्फ अपना टारगेट ही दिखेगा, टारगेट के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा और आजू बाजू क्या हो रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर लाइफ में सफल होना चाहते हो तो पहले अपनी कंपनी, अपने फ्रेंड्स को अच्छी तरह से चुनना, कहीं गलती ना हो जाए।